लेकिन वो जिस तरह का काम किए उससे पूरे बिहार की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया। कभी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के निर्माण में यहाँ के राजनीतिज्ञों की जो भूमिका रहती थी उस पर उन्होंने कालिख पोतने का काम किया है। आज उनके बारे में और नई सरकार के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारा है, इसको लेकर एक तरफ जहां आरजेडी में गुस्सा दिखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस का भी गुस्सा फूट पड़ा है। आप देख रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने वापस से दोबारा एक ट्वीट किया और रोहिणी आचार्य भी चुप नहीं थी, उनका भी गुस्सा फूट पड़ा था। और अब अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी इस पर गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल वो साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके का काम किया है वो बिहार की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, सुनिए। इस इलाके में राहुल गांधी जी का अभूतपूर्व स्वागत होने जा रहा है और ये रैली के माध्यम से जो नई परिस्थिति बनी है, यहाँ से नया राजनीतिक दिशा तय करने की भी बात राहुल गांधी जी करेंगे। इसमें हम लोगों ने आदरणीय खड़गे साहब उपस्थित रहेंगे ही, महागठबंधन दल के सभी नेताओं को, शीर्ष नेताओं को हम लोगों ने आग्रह किया है, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, डी राजा जी को, सीताराम येचुरी साहब को, अभी के पहले तक हम लोगों ने नीतीश जी को भी आग्रह किया था, लेकिन वो जिस तरह का काम किए उससे पूरे बिहार की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया। बिहार कभी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के निर्माण में यहाँ के राजनीतिज्ञों की जो भूमिका रहती थी उस पर उन्होंने कालिख पोतने का काम किया है। ये हमेशा कहा करते थे कि ये लोग इतिहास बदल रहे हैं, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। और आज अभी यहाँ आने के पहले मैं टीवी में चल रहा था उनका स्टेटमेंट कि हमको ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कई बार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर उसी तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, तो ये किस तरह के समाजवादी नेता हैं हमको पता नहीं चलता है। कैसे समाजवाद अवसरवाद में बदलता है इसके उदाहरण वो पूरे देश में बने हैं। आज उनके बारे में और नई सरकार के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। हम लोग सब राहुल जी के इस न्याय यात्रा के सिलसिले में आपको यहाँ हम लोग बुलाए थे और उसकी पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई। आज यहाँ रुकेंगे और कल शकील साहब का जो डिस्ट्रिक्ट है कटिहार, वहाँ खेरिया में उनका रात्रि विश्राम होने वाला है। उसके बाद 31 तारीख को वो यात्रा कटिहार से शुरू करके और बंगाल में उनकी यात्रा प्रवेश करेगी। हम लोगों को खुशी है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा दो चरणों में होने जा रही है। हमको लगता है कि 13-14 फरवरी तक फिर दो तीन राज्यों का यात्रा करके और वो औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ होते हुए उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। तो आज यही सूचना देने के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों को मैं यहाँ बुलाया था। सरकार आती जाती रही है, सरकार की चिंता कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। अरे भाई, हम लोग सेक्युलरिज्म की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है, संविधान और जमहूरियत की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं, और संविधान और जमहूरियत की लड़ाई कांग्रेस का एक एक बच्चा, एक एक नेता लड़ता रहेगा, ये जरूर हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। नीतीश कुमार के बगैर बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती क्या? नीतीश, अब तो चुनाव आने वाला है। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने राजनीति को शर्मसार किया है, निश्चित रूप से उनको यहाँ की जनता दंडित करेगी। धन्यवाद। अभी केसी त्यागी जी का अभी बयान आया है कि इंडिया गठबंधन
का गठन नीतीश कुमार ने किया है और राजनीति में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने का काम नीतीश कुमार ने किया था इंडिया गठबंधन के बाद। केसी त्यागी जी और नीतीश जी जब पैदा नहीं हुए होंगे उस समय से कांग्रेस पार्टी पिछले 100 साल से ज़्यादा की ये पार्टी है और 138वां साल है ये, तो इसलिए इस तरह का बात करना, ये लोग कब के हैं? वही तो कह रहे हैं कि समाजवादी बनते हैं और समाजवाद किस तरह से अवसरवाद में बदल जाता है ये तो मैं जनता पर ही छोड़ता हूँ, ये सवाल मैं बिहार के लोगों के बीच छोड़ता हूँ और इसका निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। कभी भी इस तरह के राजनीतिज्ञों को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है, इतना मैं जानता हूँ। आज सीट का बंटवारा करके हम लोग नहीं आए थे, आज जो न्याय यात्रा है उसकी तैयारी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी, वो मैं बात कर चुका। सीटों का ब्यौरा भी देंगे आज, अभी सीटों का ब्यौरा न तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को हुक्का हुआ है। तो आपने सुना कि अखिलेश प्रसाद सिंह का गुस्सा किस तरीके से नीतीश कुमार पर फूट पड़ा और कह रहे हैं कि इन्होंने कालिख पोतने का काम किया है, खुद ही तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते थे, उन्हें कुछ से कुछ बोलते थे और कांग्रेस पर भी वो लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते थे। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी कहा है कि हमने उनके बयान को सुना, यानी कि नीतीश कुमार जो कह रहे थे इस्तीफा देने के बाद, उनकी बातों को सुना है कि उन्हें काम करने नहीं दिया जाता था। इसी पर अखिलेश प्रसाद सिंह यह कह रहे हैं कि वो खुद ही तेजस्वी यादव को कुछ कहते थे, उनकी पार्टी को कुछ करते कहते थे और कांग्रेस को भी लगातार वो कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे और ऐसे में अब कांग्रेस का भी गुस्सा फूट पड़ा है। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी कह दिया कि मौजूदा जो स्थिति है बिहार की या फिर जो भी सरकार है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।